नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताजा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो पेश है दिन भर के मुख्य समाचार। नगर निगम शिमला पर कांग्रेस का कब्जा, 24 वार्डों में लहराया जीत का परचम। शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने 24 वार्डों में जीत का परचम लहराकर पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। वहीं भाजपा दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई है। भाजपा ने 9 वार्डों में जीत दर्ज की है। भाजपा प्रत्याशी और पूर्व मेयर सत्या कोंडल भी चुनाव हार गई हैं। बता दें कि माकपा को एक सीट पर जीत मिली है। नगर निगम शिमला के 34 वार्डों के लिए 2 मई को मतदान हुआ तथा 102 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नगर निगम शिमला के चुनावों में भारी जीत हासिल करने पर शिमला की जनता, प्रत्याशियों, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को बधाई दी है। भावेश शर्मा वायुसेना में बने फ्लाइंग ऑफिसर, परिजनों में खुशी का माहौल। बिलासपुर जिले के झंडुता के खलसाय गांव के भावेश शर्मा भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बन गए हैं। उन्होंने एनडीए की परीक्षा में देशभर में 145वां स्थान हासिल किया। पहले ही प्रयास में उन्होंने यह सफलता हासिल की। वहीं भावेश ने बताया कि शुरू से ही उनका सपना भारतीय वायुसेना में ऑफिसर बनने का था। इसके अलावा उन्होंने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता, परिवार जनों, अध्यापकों और सहपाठियों और सीनियर को दिया है। भावेश के पिता रविंदर शर्मा और माता पूनम शर्मा मिनरवा शिक्षण संस्थान घुमारवी में अध्यापक के पद पर कार्यरत है। G20 सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा में चूक, युग के खिलाफ शिकायत। जिला मुख्यालय धर्मशाला में हुए G20 सम्मेलन में आए विदेशी मेहमानों की सुरक्षा व्यवस्था में भारी चूक हुई है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हुई इस चूक की शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर भी की गई है। साथ ही मांग की गई है कि फर्जी पत्रकार पर FIR दर्ज की जाए। बताया जा रहा है कि कांगड़ा जिला के एक पत्रकार ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत की है। इस शिकायत पर कहा गया है कि G20 सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा में चूक हुई है। चंबा के चुराहा में अवैध पेड़ कटान मामले में वन निगम निदेशक से जवाब तलब। चंबा के चुराहा में अवैध पेड़ कटान के मामले में प्रदेश हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने इस मामले में हिमाचल प्रदेश वन निगम के प्रबंध निदेशक को प्रतिवादी बनाया है। अदालत ने निगम के निदेशक से दोषियों के खिलाफ आपराधिक मामला न चलाने के बारे में स्पष्टीकरण तलब किया है। वहीं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 9 मई को निर्धारित की है। 10 मई तक पूरा हो जाएगा बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन का कार्य। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 10 मई तक 10वीं 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य को पूरा कर लेगा, जबकि 20 मई के बाद कभी भी बोर्ड प्रबंधक रिजल्ट घोषित कर सकता है। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने इस बार जल्द रिजल्ट घोषित करने को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने बताया कि इस बार 10वीं 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम अन्य विषयों की अपेक्षा जल्द घोषित किया जाएगा। शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की जीत पर क्या बोली प्रियंका। शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने 24 वार्डों में जीत दर्ज कर पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। वहीं भाजपा दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई है। भाजपा ने 9 वार्डों में जीत दर्ज की है। माकपा को एक सीट पर जीत मिली है। नगर निगम शिमला के 34 वार्डों के लिए 2 मई को मतदान हुआ तथा 102 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। वहीं कांग्रेस की जीत पर पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक जीत कांग्रेस की नीतियों एवं जनता के प्रति समर्पण की जीत है। इस भरोसे के लिए हम शिमला की जनता का धन्यवाद करते हैं। कड़ी मेहनत करने वाले सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मेरी शुभकामनाएं। कर्नाटक में भी कांग्रेस ने प्रगति की गारंटियां दी हैं। कर्नाटक की जनता से अपील है कि भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाइए। के लिए होंगे 2 पेपर, भर्ती प्रक्रिया के नियम और पैटर्न जारी। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से तृतीय श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए 2 पेपर होंगे। पेपरों में मल्टीपल च्वाइस प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्न का उत्तर गलत देने पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी। पहला पेपर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT या ऑफलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। यह टेस्ट 1 घंटे का होगा और इसमें 100 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं लोक सेवा आयोग को तृतीय श्रेणी के पदों को भरने का जिम्मा सौंपे जाने के बाद भर्ती प्रक्रिया के नियम और पैटर्न जारी कर दिया गया है। इसके तहत पेपर 1 यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट में हिमाचल प्रदेश से जुड़े सामान्य ज्ञान के प्रश्न 30 अंकों के पूछे जाएंगे, जबकि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मामलों के सामान्य ज्ञान से जुड़े 30 अंकों के प्रश्न, हिंदी भाषा ज्ञान के प्रश्न 20 अंकों के और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान के प्रश्न 20 अंकों के होंगे।
में 9 कोरोना मरीज हुए स्वस्थ, 4 नए पॉजिटिव केस। चंबा ज़िले में कोरोना के 4 नए मामले सामने आए हैं, इसके अलावा 9 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके चलते ज़िले में एक्टिव केस घटकर अब 75 रह गए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुल 140 सैंपल एकत्रित किए गए थे, जिनमें से 123 सैंपलों की रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट के माध्यम से जाँच की गई। जांच के दौरान सिर्फ एक ही सैंपल पॉजिटिव पाया गया, वहीं आरटीपीसीआर लैब में जांचे गए 17 सैंपलों में से 3 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बता दें कि चंबा जिले में कोरोना का प्रभाव कम होने लगा है, पिछले कुछ दिनों से नए मामलों में कमी दर्ज की गई है, यह चंबा जिला वासियों के लिए राहत की बात है। प्रधान सचिव गृह सहित सहायक एवं उप जिला न्यायवादी को अवमानना नोटिस जारी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अदालती आदेशों की अवमानना पर कड़ा संज्ञान लिया है। अदालत ने ईडीए के स्थानांतरण मामले में प्रधान सचिव गृह सहित सहायक एवं उप जिला न्यायवादी को अवमानना नोटिस जारी किया है। अदालत ने उप जिला न्यायवादी किशन सिंह वर्मा और सहायक जिला न्यायवादी श्वेता सड़ियाल की ज्वाइनिंग पर रोक लगा दी है। वहीं अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि पद पर अधिकारियों ने ज्वाइन कर लिया है तो उनके कर्तव्य निर्वहन पर रोक रहेगी। वहीं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 9 मई को निर्धारित की है। हिमाचल में हजारों दैनिक वेतन भोगियों और अंशकालिक वर्करों का वेतन बढ़ाया, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हजारों दैनिक वेतन भोगियों और अंशकालिक वर्करों का मानदेय बढ़ा दिया है। इस संबंध में आज वित्त विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के दैनिक वेतन भोगी कार्यकर्ताओं के दैनिक वेतन की दरें 1 अप्रैल से संशोधित की गई है। वहीं अंशकालिक वर्करों को 1 अप्रैल 2023 से संशोधित दरों पर 47 रुपये प्रति घंटे का भुगतान होगा। दूसरी ओर जनजातीय क्षेत्रों में तैनात सभी दैनिक वेतन भोगियों अंशकालिक वर्करों को संशोधित दैनिक वेतन में 25% की बढ़ोतरी दी जाएगी। ये दरें सभी सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, विश्वविद्यालयों, स्वायत्त निकायों, बोर्ड आदि में तैनात दैनिक वेतन भोगियों और अंशकालिक वर्करों पर भी लागू रहेंगे। हिमाचल में कर्मचारियों को 60 दिन में देना होगा नई या पुरानी पेंशन योजना चुनने का विकल्प, एसओपी जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए आज मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी कर दी है। इस योजना को केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के रूप में भी जाना जाता है। वहीं सरकार की ओर से जारी एसओपी के अनुसार जो कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत रहना चाहते हैं, वे 60 दिनों के भीतर इसका विकल्प संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करेंगे। ऐसे कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, जिसे अंशदायी पेंशन योजना के रूप में भी जाना जाता है, में कवर किया जाना जारी रहेगा। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत अंशदान, नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का हिस्सा कर्मचारी की सेवानिवृत्ति तक पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण विनियमों के अनुसार जमा किया जाएगा। तो ये हैं आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।